व्हाट यू नीड एज एन ऑडियंस, चाहते क्या हैं आप दर्शकों के रूप में? एक अच्छी मूवी जिसको देखकर आप ये कह सकें, वाओ दैट्स अ फिल्म, मजा आ गया सच्ची में। टुडे आई एम गोइंग डाउन द मेमोरी लेन ऑफ लास्ट टू मंथ्स एंड वुड लाइक टू टॉक अबाउट थ्री मलयालम मूवीज रिलीज ड्यूरिंग दैट टाइम विच आई वॉच ऑन प्राइम वीडियो एंड ईच वन ऑफ देम वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट देर वॉज वन थिंग इन कॉमन इन ऑल द थ्री एंड दैट वॉज इनोवेटिव सिनेमेटिक ब्रिलियंस विद एक्सलेंट स्टोरी लाइन। Yes, I am talking about Fahad Fazil's Malik, Roshan Matthews and Prithviraj Sukumaran's Kuruthi and latest one Indran's Hashtag Home. भैया सबसे पहले वही बात जो इन मूवीज को देखकर मुंह से निकलता है, अरे मलयाली भाइयों कहाँ से लाते हो सब्जेक्ट, कहाँ से स्टोरी लाइन्स, कहाँ से टेक्निकल्स और कहाँ से ये इंद्रंस फाफा जैसे एक्टर जो कि अपने सिंपल और नॉर्मल लुक से वो काम कर जाते हैं जो बड़े से बड़े सुपरस्टार्स अपने फुल ग्लैम अवतार से भी अचीव नहीं कर पाते। ऐसा लगता है दे हैव सम स्पेशल परमिट और लाइसेंस टू टच द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। टचिंग द हार्ट से याद आया, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दो एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड डू मैंशन योर कमेंट्स अबाउट द थ्री मूवीज आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक बार हम फिर से तीनों मूवीज को रिविजिट करते हैं और रीअनालाइज करते हैं कि ऐसा क्या चीजें हैं इन मूवीज में जो दर्शकों को भा गई और इन फिल्मों को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई कैन बिलीव एंड विच आई थिंक वॉज स्टोरी लाइन। जस्ट सी द थ्री डिफरेंट फिल्म विद थ्री डिफरेंट स्टोरी लाइन्स। मलिक वॉज ऑन द लाइन्स ऑफ कॉमर्शियल पॉट बॉयलर मसाला फिल्म विद पॉलिटिकल बैकड्रॉप येट कैप द स्टोरी टेलिंग एज फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर यही हम कुरुति की बात करें तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे सेंसिटिव मैटर पर एक थ्रिलर मूवी को अंजाम दिया गया। और अगर हैशटैग होम की बात करें तो यहाँ तो स्टोरी टेलिंग एक अलग ही लेवल की है, वेयर द ऑडियंस स्ट्रेट अवे वेयर्स द शूज ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड द मूवी एंड इट फील्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्म वेयर वी कैन विजुअलाइज आवरसेल्व्स इन द मूवी एज अ कैरेक्टर। अ सिंपल स्टोरी विद अ हार्ट हिटिंग मैसेज। सेकंड थिंग विच आई थिंक इज फ्लॉलेस एक्टिंग। Look at all the three films and acting in all the movies were beyond excellence. Fafa is cool and calm gangster. As an old gangster, he speaks volume with his eyes. Indran's as a dad in home is as smooth as butter. And in the scene, जब उसके बेटे ने मोबाइल फोन ऑर्डर किया होता है एंड ही buys a phone पहले क्योंकि उसे लगता है कि फोन उसके लिए नहीं ऑर्डर किया गया है। What a reaction of Indran on the dining table. Simply jhakas. Same is case of Kuruthi. जहाँ पर हर एक कैरेक्टर ने गजब काम किया, खासकर ममुकिया ने। मतलब यू नीड अ सब्सटेंस इनसाइड यू टू शाइन अबव द रेस्ट ऑफ लीड एक्टर्स हु आर आल्सो पार एक्सीलेंस एंड ममुकिया डिड दैट विद एन ईज। तीसरी चीज जो है वो है सोल। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द सोल ऑफ द मूवी एंड आई फील इफ यू लुक एट ऑल द थ्री मूवीज द सोल वॉज एट इट्स राइट प्लेस। अब चाहे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो या घर के बाप बेटे का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा एंड देयर वुड बी अ स्टेप टेकन टू फिनिश दैट कॉन्फ्लिक्ट। अब उसके लिए चाहे इंसान को पहली बार हथियार उठाना पड़े या फिर मोबाइल फोन को सीखना पड़े या फिर अपनी कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स आर मेंट टू बी फिनिश्ड एंड विद अ सोल ऑल दीज मूवीज डिलीवर्ड अ हार्ट वार्मिंग आउटकम। चौथी चीज या फोर्थ चीज वॉज विजुअल डिलाइट। ऑल द थ्री मूवीज हैव ट्राइड टू गिव अ विजुअल डिलाइट टू द ऑडियंस। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम के साथ मालिक का वन शॉट इंट्रोडक्टरी सीन हो या फिर जब फहद फाजिल पर बुलेट चल रही होती हैं एंड देन ही रन्स टुवर्ड्स द बीच या फिर लो लाइट कैमरा वर्क हो कुर्ति का या फिर हर एक छोटे बड़े इमोशंस को कैप्चर करता हुआ हैशटैग होम का कैमरा, सब जगह वही मिलेगा जो आपको चाहिए, विजुअल डिलाइट। नेक्स्ट चीज जो इन मूवीज के बारे में अच्छी थी वो है डेयरिंग। एक लास्ट चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है फिल्म मेकर्स की डेयरिंग अप्रोच जो कि सारी फिल्मों में दिखाई पड़ती है। मलिक पर एक हाई बजट स्पेंड हुआ पर जस्टिफाइड था। कुर्ति पर एक सेंसिटिव इश्यू को बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल किया गया और होम में तो मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा क्या था विच मेकर्स डिसाइडेड टू मेक अ मूवी ऑन सच अ सिंपल सब्जेक्ट ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड किड्स एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन हैज वाइडन द गैप। यू नीड गट्स टू मेक अ मूवी ऑन सच अ सब्जेक्ट, सच अ सिंपल सब्जेक्ट येट हार्ड हिटिंग मूवी। सो ओवरऑल These three movies were successful in striking the right chord with the audiences. अब हो सकता है कि कुछ audiences के विचार सहमत ना हो, but सब उंगलियां एक समान भी तो नहीं होती हैं। तो criticism is always a tool for betterment and for the ones who dare to excel. Just like Malayalam movies are daring in the Indian film industry.
making the mark in style. I have got criticism for over-promoting and creating over-hype about Malayalam cinema, but I would always be supporter of good cinema, which understand the audience, not who tries to make audience understand. तो चलो अब आप लोग बताओ विच वन इज योर फेवरेट अमॉन्ग दीज थ्री मूवीज एंड डू राइट वन थिंग विच मेड यू लाइक दैट मूवी. मेरी तो पर्सनल फेवरेट है हैशटैग होम, क्योंकि होम इज वेयर हार्ट इज. और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो फॉर वाइडर रीच. स्टिल आई एम फिगरिंग आउट द रीजन ऑफ ग्रोथ अबाउट मलयालम सिनेमा, हाउ एंड वाई. रीजन इज द डेयर टू डेयर एज देयर लिमिट इज बियॉन्ड स्काई. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.